जी तो दोस्तों आज संडे है और मैं घर पे थी, तो कपड़े धो के फैलाते हुए तो मैंने नहीं दिखाया, तो अभी ये मैं उतार रही थी तो मैंने सोचा चले आपको बता दूं कि जो संडे है वो मैं कैसे गुजार रही हूँ अपना। और ये भी कुछ जो है ऊपर बाकी भी हैं, इन्हें भी अभी अस्सलाम उतारूंगी। वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तो आपको बता ही चुकी हूँ कि मैं अपना संडे कैसे गुजार रही हूँ, तो आप बताइए कि आपका संडे कैसे गुजरा है। जनाब, ये पुलाव बनाया है मैंने दिन के खाने के लिए और ये पक चुका है। मैं क्योंकि बहुत सारे काम एक साथ कर रही हूँ तो इसलिए मैंने हर काम के लिए अलग अलग जो वीडियो नहीं बना पाई, बट जो बना पाई वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और अब मैं इसको खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। अच्छा, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमें चावल बहुत पसंद है और हम ये रोज़ाना बनाकर खाते हैं। एक्चुअली हमारे घर गेस्ट जो है ना वो रोज़ाना ही आते हैं, तो इस वजह से जो है वो मतलब ये सबसे आसान डिश है जो बनाई जा सकती है फौरी तौर पे। कोई अगर अचानक भी आ जाए तो उसके लिए वेट नहीं करना पड़ता कि वो अब ये लाए और अब वो लाए, तो ये सबसे इंस्टेंट पकने वाली चीज़ है, तो हम यही पका के जान छुड़ा लेते हैं अपने मेहमानों से। अच्छा, क्योंकि ये मेरी पहली कोशिश है बिरयानी पकाने की, तो ये ख़राब भी हो सकती है, तो ये मुझे घर वालों से इस पर मार भी पड़ सकती है, क्योंकि वैसे मेरी बहन अच्छी बनाती है। तो आज मैंने उसे कहा कि मुझे बनाने दो, अब जब ये हम खाएंगे तो पता चलेगा कि मैंने इसके साथ क्या किया है। पकने के बाद ये इसकी फाइनल लुक है। और जनाब, ऐसा नहीं है कि जो गेस्ट हैं वो वाकई में हम उन्हें सिर्फ राइस खिला के भगा देते हैं, तो ये और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमने इनके लिए प्रिपेयर की हैं। पता था कि इन्होंने आना है तो इसलिए हमने उनके लिए पहले से ही कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर रखा था। जनाब, यहाँ बैठे सब लोगों की फरमाइश थी कि मैं इनको वीडियो में ले आऊँ, फिर मैंने जब उन्हें बताया कि मैंने ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे लगानी है, तो अगर सब लोग इसमें शामिल होना चाह रहे हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर जनाब सब जो हैं वो थोड़े से हो गए ठंडे, इसलिए मैं सिर्फ आपको ये खाने की शक्ल दिखा रही हूँ, अपने साथ मौजूद यहाँ दूसरे लोगों की नहीं। मीठे में ये ट्राइफल या कस्टर्ड, आई डोंट नो इसको एग्जैक्टली क्या कहते होंगे, ये बनाया था हमने और ये बहुत टेस्टी बना था। मुझे क्योंकि ज़्यादा चीज़ें पकाना नहीं आती तो ज़्यादा चीज़ों के इसलिए नाम भी पता नहीं है। और बताएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। दोस्तों, कैसा लगा ये मिनी ब्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।